हेलो, आज की वीडियो में हम कस्टम रेल से रिंग कैसे बनाई जाती है वो सीखेंगे। उसका यूज करके हम आसानी से रिंग कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे है टूल्स में फोर्थ ऑप्शन है कस्टम रेल, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। और रिंग का साइज है ना, हमें यहीं से लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से रिंग रेल है जो यहाँ से रिंग का साइज लेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। रिंग का साइज हमें यहीं से लेना होगा। रिंग रेल सपोज हमने रिंग का साइज यहाँ से 18 लिया, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, टॉप व्यू में आएंगे, जितना हमने रिंग का साइज लिया ना उतना ही एक बॉक्स बना लेंगे हम, ताकि वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए वर्क करना। यहाँ से हमने रेक्टेंगल लिया, सेंटर 0 एंटर, रिंग का साइज हमने लिया था 18, तो 18 एंटर, 18 एंटर, ये बन गया हमारा बॉक्स। इसको सिलेक्ट करके हम एक अलग कलर दे देंगे। अब यहां से हमने जो रिंग बनानी है उसका पिक्चर ले लेंगे हम। इसको सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये आ गई हमारी पिक्चर। अब एक मिड टू मिड एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मिड टू मिड एक लाइन ड्रॉ की हमने। इसको हम रोटेट करके इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। और इसको ये यहाँ पे, ये यहाँ दोनों कॉर्नर तक आनी चाहिए। इसको हम यहाँ से स्केल किया हमने, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर दिया। इसको हम प्रॉपरली सेट कर लेंगे यहाँ पे। सेट कर लिया, अब हम जो इसका पिक्चर का जो बाहर वाला हिस्सा है वो डिलीट कर देंगे। यहां से हम इसको कर देंगे स्प्लिट, सर्कल को, स्क्वायर को सेलेक्ट किया, एंटर किया, और ये बार का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम इस पिक्चर को कर देंगे यहाँ से लॉक। यहाँ से हमने लिया कंट्रोल पॉइंट कर्व, और हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल प्रॉपर। एक बार के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सारी कर्व लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से एक बारी पिक्चर को हम यहाँ से अनलॉक करके इसको हाइड करके ऐसे देख लेंगे। ये लाइन है ना, ये हमें थोड़ा अंदर तक ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में जब हम इसको सॉलिड करेंगे ना ये अलग अलग से आ जाती है, इसलिए इसको पहले ही हम अंदर तक ड्रॉ करते हैं ताकि वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे हम, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहां से कर देंगे मेक रेल। देखो ये बन गया यहां से इस तरह से। इस वाले पोर्शन को हम कर लेंगे हाइड। को कर देंगे हम पैच, इसको हम स्वीप टू कर सकते हैं। यहां से यहां तक लाइन ड्रॉ की और यहां से
यहां तक लाइन ड्रॉ की, उसके बाद में भी टाइप करके स्विफ्ट टू आ जाता है, और यहाँ सरफेस में स्विफ्ट टू वाला कमांड लिया हमने, सेलेक्ट 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 और सेलेक्ट एंटर और ओके। इसी तरह से ये वाला भी कर लेंगे हम, सेलेक्ट 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 एंटर ओके। इसी तरह से इसमें भी दो रेल है, तो इसको भी हम स्विफ्ट टू कर लेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट एंटर और ओके। ये बन गया हमारा इस तरह से। अब इस पूरे को हम ऑफसेट दे देंगे, इसको सिलेक्ट करके हमने दिया ऑफसेट सर्फ ऊपर की ओर, हमने दिया 1 mm का। आप ये कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब देखो ये आपस में अच्छे से मर्ज हो गया। अगर हम इसको यहां तक बनाते ना तो ये यहां से खुला रह जाता, ये इससे अच्छी तरह से मर्ज हो गया। इसको नहीं बनाते तो ये यहाँ से कॉर्नर से खुला हुआ हो जाता, अगर हम इसको अंदर तक ड्रॉ नहीं करते तो। हो गया ये। पहले हम नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं। यहां से हमने एक लाइन ली, इस तरह से एंड तक एक लाइन बनाई, दोबारा से एंड टू एंड एक लाइन बनाई हमने। इस सर्कल को सेलेक्ट किया, सरफेस में गए, सरफेस में जाके हमने इसको किया एक्सट्रैक्ट कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड है ये, और इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करके हमने यहां से कर दिया प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर क्लिक करके एंटर कर दिया, ये लाइन हमारी आ गई। अब इस लाइन को डिलीट, इस लाइन को डिलीट, इसको भी कर देंगे हम डिलीट। ये बन गया हमारा। यहां से इसको स्विफ्ट टू करेंगे हम, तो एंड टू एंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी इस तरह से। अब इसको भी कर लेंगे हम स्विफ्ट टू, सिलेक्ट सिलेक्ट और इसको कर देंगे हम एंटर। सेम इसको भी हम ऑफसेट सर्फ कर देंगे बाहर की तरफ, ऑफसेट सर्फ 1 mm एंटर एंटर। ये बन गया हमारा। अब यहां से हम एक बारी के लिए पिक्चर को कर लेंगे हाइड, इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे, और इसको भी कर देंगे डिलीट। यहां से हम अपना पिक्चर देखेंगे। ये डायमंड है ना जो नीचे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे ऊपर तक है ये, इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ पे गए हम कर्व में सेकंड वाले पेज पे डुप्लीकेट एज, इसके डुप्लीकेट एज लिए हमने, एंटर किया ज्वाइन करके एंटर कर दिया, सेलेक्ट करके हम ऑफसेट लेंगे इनका, ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस, ऑफसेट लिया हमने इसका 0.5 एंटर, ये आ गया इसका ऑफसेट। अब इसको सेलेक्ट करके इसको जहां से ये एक्स्ट्रा है इसको हम कर लेंगे ट्रिम,
इसको भी कर दिया हमने, ये पूरा ट्रिम हो गया। बैक करेंगे इससे ट्रिम, एक मिनट बैक करेंगे वापस से। इसको हमने अलग अलग करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हमने एक लाइन ली, उसको हमने कर दिया बोथ साइड। से इसको शिफ्ट प्रेस करके ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया और इसको कर देंगे हम ट्रिम। अब ये ट्रिम हो जाएगा, यही इसको भी हमने कर दिया ट्रिम, एंटर, और इसको हमने कर दिया जॉइन। अब इसको सिलेक्ट करके हम कर लेंगे पैच, ये बन गया हमारा एक और सरफेस। इसको हम ऑफसेट कर लेंगे, पहले इसको हम यहाँ से बोथ साइड कर लेंगे। हम इसको दोनों तरफ 0.3 का ऑफसेट कर लेंगे हम दोनों साइड, दोनों साइड ही हो जाएगा वो 0.3 टोटल। एंटर, ये हो गया, ये 0.3 का नीचे हो गया और 0.3 का ऊपर। ऑटोमेटिक ये फ्रंट व्यू से आके देखेंगे तो हम इतना ये अंदर है और इतना ये बाहर है। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आए हम, अब इसको सिलेक्ट किया बूलियन डिफरेंस, इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, ये कट हो गया हमारा। फिर हम डायमंड रख लेंगे, सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, F6 करेंगे, जैम ऑन सरफेस, यहां से हम जैम रखेंगे यहाँ पे। स्पेसिंग कर देंगे हम 0.15, एंटर। इस डायमंड का साइज बढ़ा देंगे हम 1.2, एंटर। डायमंड करेंगे वो हम जितना हमारे पास स्पेस है उसके हिसाब से रखेंगे। बने में हम का करके देख लेंगे, ठीक है। एक हम यहाँ पे बने में का रख लेते हैं, ये आ गया हमारा। ऐसे हम प्रोंग रख लेंगे, F6 प्रोंग ऑन सरफेस, हम इसकी हाइट कर देंगे 0.7, एंटर, और ड्रॉप कर देंगे कि ये मेटल पार्ट के अंदर कितना जाएगा 0.2।
यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है ये, इसको हमने यहाँ से फ्लिप किया, यहाँ पे हमने इसको किया 0.5। फाइव का आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से रख दिया हमने, रख दिया, छोटा कर लेते हैं यहाँ पे हम कर लेंगे 0.45 का कर लेते हैं। क्या आ गया हमारा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे 0.55 का इसका डायमीटर, तरह से इस तरह से हम यहाँ पे सारे प्रोंग रख लेंगे। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये वाला पार्ट है जो हमारा, ये थोड़ा सा डूम है, इसको हम डूम करेंगे। कमांड में टाइप किया हमने एक्सट्रैक्ट सरफेस, इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करके एंटर करके और इसको हमने डिलीट कर दिया। अब इसको हम ब्लेंड सरफेस से ब्लेंड बनाएंगे, ब्लेंड सरफेस इसको सिलेक्ट करके एंटर किया, इसको सिलेक्ट और इसको सिलेक्ट और एंटर कर देंगे और इसके और इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। हमें ये कितना डूम चाहिए, हमें ये कम करना है तो ये कम भी हो जाएगा, इतना रखते हैं हम इसको। ठीक है ये, और इसको हम कर देंगे ओके। अब इस वाले और शिफ्ट प्रेस करके इसको हम कर देंगे ज्वाइन, ये ज्वाइन हो गया हमारा। इसी तरह से ये वाला भी है, जो ये वाला भी हमारा डूम है, इसको हम इस तरह से डूम भी कर सकते हैं और इसको इसी तरह से हम फ्लिट भी कर सकते हैं। इसको किया स्ट्रेच सरफेस और इसको कर दिया हमने एंटर और इसको कर दिया डिलीट। ब्लेंड सरफेस इसको सिलेक्ट करके एंटर और इसको सिलेक्ट करके, ये थोड़ा सा खुला हुआ, यहाँ से एंटर और इसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ से कर दिया सेम हाइट, बाद में इसको क्लोज भी कर सकते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है, इसको हम फ्लिट कर लेते हैं, हम इसको फ्लिट किया हमने, फ्लिट एज 0.45 का करके देख लेते हैं, एंटर हो गया ये। दोबारा से इसको करेंगे एंटर एंटर, ये नहीं हुआ हमारा, इसको कर दिया हमने एक मिनट, हमने बैक इसको हाइड करके हम इसको फिलेट करेंगे। इसको हम कम का फिलेटेज करके देख लेते हैं एक बारी, फिलेटेज 0.3 एंटर
एंटर एंटर, ये हो गया, हो गया हमारा डूम। डूम नहीं है, इसको हम हल्का हल्का यहाँ से फ्लिटेज कर लेंगे। हमने यहाँ पे किया फ्लिटेज, पॉइंट वन एंटर एंटर। इस तरह से इस पूरे को हम यहां से फ्लिट कर लेंगे। ये बन गया हमारा रिंग। तो हमने यहां से किया प्लास्टिक। अब हमारा ये एक डायमंड हो जाएगा। यहाँ पे रखना, टोपियों में आएंगे, पूरे को सेलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए हम हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे जैम में, ये डायमंड लेंगे हम, साइज देख लेंगे एक बारी हम। ठीक है, थ्री कर दिया। पिक्चर को हमने इसको सिलेक्ट करके प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे, हेड बुल्डर तो यहाँ पे रखेंगे, स्टाइल में जाएंगे, ये वाला है वहां पे सिंपल वाला, इसको हम कर देंगे अप्लाई। थोड़ा कम कर लेंगे, इसको हम यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। हम इसके प्रोम भी यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं और एंटर कर देंगे। पूरे को सिलेक्ट किया, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू में जाके इसको ऊपर ले लेते हैं एक बारी। ले लिया, को थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे इस तरह से, या ये प्रोम से यहाँ से कनेक्ट है, इसको थोड़ा ऐसे घुमा लेंगे। वापिस इसमें रखेंगे और प्रोम का साइज थोड़ा कम कर लेंगे हम। इस तरह से क्रोम की हाइट भी थोड़ी सी कम कर लेंगे हम और कर देंगे। इस करेंगे हम शिफ्ट
शिफ्ट प्रेस करके इसको हमने ग्रुप कर लिया। ताकि दोनों अच्छे से कनेक्ट हो जाए। इस तरह से ये बन गई हमारी रिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।